See students, now we are going to learn how we draw a pie diagram. तो इट्स आवर पाई डायग्राम, ये हमारा जो है पाई डायग्राम का क्वेश्चंस है और किस तरह से हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना है ये हम इसमें देखेंगे. तो फर्स्ट देखेंगे कि किस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमें वर्बल में दिया गया है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से हम इकट्ठा करेंगे विच हेल्प यू टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम. सी, ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोविंग पैराग्राफ. अब दिस इज़ द वन ऑफ द पैराग्राफ इज़ गिवन टू यू. एक पैराग्राफ आपको दिया गया है जिसमें हमें पहचानना है कि किस तरह से हम जो डायग्राम है पाई डायग्राम है उसे ड्रॉ करेंगे. सी, देर आर अ वेरियस एक्टिविटीज़ दैट आई स्पेंड माई टाइम ड्यूरिंग द वीक. कि वीक में, हफ्ते में हम जो है बहुत सारे काम करते हैं. एक्सेप्ट द शॉर्ट एंड लॉन्ग वेकेशंस द रूटीन हार्डली वेरियस. जो है हमेशा हमारा भले ही कोई छोटी सी छुट्टी मिल जाए या लॉन्ग वेकेशंस मिल जाए बट हमारा जो रूटीन वर्क है वो हमेशा अलग अलग होता है. वी डू लॉट्स ऑफ द वर्क डेली. द मैक्सिमम टाइम दैट आई स्पेंड इज ऑन द इंटरनेट. ये जिसकी भी दी गई है इंफॉर्मेशन तो ही सेड दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इंटरनेट पर स्पेंड करते हैं. This is for finding our information for school project, chatting with friends, sending emails to my relatives and friends, and yes, also to play video games. It means उसमें क्या करते हैं इंटरनेट पे, इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय इंफॉर्मेशन जो है स्पेंड होता है बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, चैटिंग विद फ्रेंड्स करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं और जो भी गेम वगैरह खेलना होता है वो खेलते हैं. इन फैक्ट I have to confess that. अब वो जो है confess कर रहा है, I spend almost 40% of my time on the internet. It's at 40%. अब ध्यान में रखना जब हम pie diagram draw करते हैं on that हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितना परसेंट किस चीज के लिए दिया गया है, उसी को आपको नोट डाउन करना है. दैट इज़ रफ वर्क. अब जैसे यहाँ पर 40% किसके लिए आया, टाइम ऑन द इंटरनेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40% इंटरनेट. आफ्टर दैट 25% ऑफ माई टाइम इज स्पेंड ऑन द सोशल लाइफ. अब यहाँ पे कितना परसेंट आया, 25%, राइट. तो 25% इज़ फॉर सोशल लाइफ, तो वी राइट 25% सोशल लाइफ, क्योंकि यही चीज़ें हमें हेल्प करने वाली है पूरे पैराग्राफ से. तो कोई भी डायग्राम, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पाई डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आती है तो ऑन दैट टाइम यू हैव टू माइंड दैट कि किसका कितना परसेंटेज दिया गया और फॉर विच वर्क, कौन से काम के लिए दिया गया है. ये दो चीज़ें आपको रफ वर्क में नोट डाउन करना है. विच इंक्लूड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मीनिंग विजिटर्स एट अ होम एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, अबाउट अ 30%. अगेन इट्स कम 30%. 30% ऑफ माई टाइम इज स्पेंड ऑन स्टडी. अब 30% किसके लिए गया, स्टडिंग के लिए. Whether it is in a school, at home, on attitude in classes. As for eating is a concerned, I always hurry. He said that कि खाने के लिए, because दिन भर में तो हमारा खाना पीना that is also one work, वो भी एक काम है. I spend believe it are not only 5% of the entire day eating. अब कितना परसेंट आया eating के लिए, 5%. तो we write up 5% eating, right? तो इस तरह से हमने जो है इससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया. वी गैदर द ऑल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट, विच वी कलेक्ट फ्रॉम दिस वर्बल पैसेज.